फ्रेंड्स, दिस इज हरिनंदन एंड यू आर वाचिंग ओपन हेलिक्स टेलीकॉम चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा RTN 905 के बारे में, जो अब मैं आपको लाइव बताऊंगा, ठीक है। आप ये जो बॉक्स देख रहे हैं, ये IP55 बॉक्स है, इसको हम लोग गुड बोलते हैं। इसमें जो है हम RTN को इंस्टॉल करते हैं। इसमें आप RTN 910, 905, 950, 950 एडवांस आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ये ग्राउंडिंग दिया हुआ, ग्राउंडिंग मस्ट है किसी भी इक्विपमेंट के लिए। और यहाँ से देखिए, पावर दिया गया है इक्विपमेंट को, जो माइनस प्लस मतलब डुअल सप्लाई दिया हुआ है, चार केबल है। और ये केबल आपका ये डीसी टीवी में गया है, ठीक है, ये माइनस में गया है और ये पॉजिटिव में गया है, इसको हम लोग बस बार भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो केबल आप देख रहे हैं, ये क्रोन केबल है, इसको पूरा हम लोग DDF केबल बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, क्रोन यहाँ पैचिंग किया हुआ है, इसमें आठ पेयर रहता है, इसमें भी आठ पेयर, मतलब टोटल 16 U1 इसमें रहता है, इसमें 16 U1 रहता है। ये TX और नीचे RX, नीचे ऊपर TX, नीचे RX, या RTX RX इस तरह भी इसको लगाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो आपका है, ये लिंक का स्विच दिया हुआ है, इसको ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। ये देखिए, ऑडियो ये 2 का दिया हुआ है, ये ऑडियो 1 का दिया हुआ है, ये IF ऑडियो 2 का ये IF पोर्ट है, ये ऑडियो 1 का IF पोर्ट है। इस पर अभी जो है ना, सिंगल लिंक चल रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक IF केबल कनेक्टेड है, कोएक्सियल केबल कनेक्टेड है, जिसका लिंक आप है। यहाँ पे देख सकते हैं, लिंक इसका ग्रीन में है, लिंक और ACT ग्रीन में, मतलब आपका लिंक अप है। और इसका जो है, इस पर कोई भी LED नहीं है, मतलब इसका जो पावर ऑफ किया हुआ, इसलिए इस पर कोई भी LED नहीं है। तो यहाँ से आप इस RTN 905 पे मिनिमम अप मैक्सिमम अप 2 ही लिंक चला सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं चला सकते हैं। ये NMS का पोर्ट है, जिससे आप लॉगिन करते हैं, इसमें आप RJ40 केबल लगा के आप लैपटॉप से लॉगिन करते हैं। EXT पोर्ट से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ पे G1, G3, G2 एंड G3 एंड G4, ये जो चार पोर्ट दिया हुआ है, इथरनेट पोर्ट है, इसका किसी भी टेक्नोलॉजी को आप यहाँ से मीडिया दे सकते हैं। ये MN1 कार्ड है, अब इसमें एक ही MN1 कार्ड है जिसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, बाकी इसमें जो कार्ड है सभी इनबिल्ट है। इसके अंदर में जो है ISP3 कार्ड होता है, बाकी सभी कार्ड इसमें इनबिल्ट होता है। इसका आप कार्ड को आप निकाल नहीं सकते हैं, कहीं से भी खोल के निकाल नहीं सकते, सभी इनबिल्ट होता है। इसमें कुछ STM का पोर्ट भी दिया हुआ है, यहाँ पे STM कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए। तो और ये 2E, ये जो आपका RTN है, ये 1U का है, ठीक है। RTN 905 भी 1U का होता है, आप देख सकते हैं, इसका जो विड्थ है, ये इसका 1U है, ठीक है। तो ये रहा आपको दोस्त RTN 905, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, जो जिसको हिंदी में नहीं समझ आता, आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। मैंने सेम वीडियो आपको इंग्लिश में बना के डाला हूँ। और फ्रेंड्स, से मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अगर अच्छा लगा है तो नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बस इतना ही कीजिए। आगे के लिए मैं आपको ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा, अगर आपका प्यार मिलते रहेगा तो। थैंक यू फ्रेंड्स।